ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं 64 नंबर, इसके पहले वाले वीडियो में एक से लेकर के और 63 तक जो है इसका वीडियो बना दिया गया है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। कह रहा है 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश के भीषण अकाल 1942-43 में पड़ा था, कहाँ पड़ा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बंगाल में पड़ा था। ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए थे? तो इसमें देखिएगा कि जूट का हुआ था, फिर कोयला का भी हुआ था, लोहा इस्पात भी हुआ था और सूती वस्त्र का हुआ था। मशीन के आविष्कार नहीं हुए थे तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए। कह रहा है 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी वे किसके अध्यक्ष, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, तो राइट आंसर इसका बी होगा। उसके बाद कह रहा है अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया था? तो इसको 1883 में प्रचारित किया था, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब शुरू किया गया था? तो यह हो जाएगा 1925 में, और भारत में रेलवे की शुरुआत डलहौजी के समय 1853 में हुआ था। ब्रिटिश नागरिक को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? तो 1833 में मिली थी। उसके बाद कह रहा है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रमेश चंद्र दत्त, तो बी इसका राइट आंसर होगा। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? तो 1913 में इसका प्रारंभ हुआ। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का है। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है? तो धन के निकास को उन्होंने अंग्रेजों द्वारा किए गए कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट कहा है। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय अर्थविदों में शामिल है कौन कौन शामिल है? तो देखिए कह रहे दादा भाई नौरोजी ये शामिल थे। उसके बाद सी आर दत्त, एम जी रनाडे, डी एन गाडगिल, गोपाल कृष्ण गोखले और के टी शाह, ये सभी शामिल थे, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 1916 में। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसको 1907 में किया गया था, तो सी इसका राइट आंसर होगा। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे एम विश्वेश्वरैया। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? डलहौजी के समय में प्रथम रेलवे लाइन बिछाया गया था। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिमाण था, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों को आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए
नहीं अपनाया गया था। अब चारों ऑप्शन के हिसाब से इसमें देखेंगे, जहाँ भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करना और उन्हें ऊंची दर पर बेचना, यह तो अपनाया ही गया था। भारतीय कारीगर को नियंत्रित नियत मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पाद उत्पादित करने के लिए बाध्य करना, यह भी किया जाता था। भारतीय व्यापारी का किसी भी तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासन, यह भी सही है। उसके बाद कह रहे हैं मुक्त व्यापार नीति, यह गलत है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर इसका डी होगा। दादा भाई नौरोजी द्वारा उसकी कृति पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपोहन सिद्धांत शब्द को निम्नलिखित में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? तो यह अपोहन सिद्धांत जो है भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था, इसी बात को दर्शाता है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था, निम्नलिखित में कौन सी निधि या निधियाँ होम चार्जेज की घटक थी? तो अब ऑप्शन देखेंगे, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली निधि, ये सही है। उसके बाद कह रहे हैं भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारी को वेतन पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने निधि, यह भी सही है। भारत के बाहर हुए युद्ध के लड़ने में अंग्रेज द्वारा लाई जाने वाली निधि, ये तीनों का प्रयोग किया जाता था, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ किया? तो इस ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने किया था, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं रेतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा कथन, इस कथन दिया है उस पर विचार करना है। तो कह रहे किसान द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, यह सही है। सरकार रैत को पट्टे देती थी, यह भी सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल निर्धारण किया जाता था, यह भी सही है। तो इसमें से राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें भी अब जांच करना है कि कौन सा कथन सही है। कह रहे दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देने थी कि, अब क्या थी? उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, यह जो है बिल्कुल बात सही है। तो अब उसके बाद देख ले रहे हैं, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथ की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया, यह गलत बात है। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों को निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया, यह भी सही नहीं है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एक अधिकार को खो दिया, कब खो दिया? तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, क्योंकि 1813 में 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था।